नेपाल वर्सेस बहरीन मैच और दोनों तरफ से हावी रहे हैं नेपाल की टीम, चाहे वो बॉलर्स हों या फिर चाहे वो फिर बैट्समैन हों। एक्चुअल में इतना ज़्यादा खास प्रदर्शन की अब की बार मुझे लग रहा है नेट रन रेट प्लस 10 की जाने वाली है, क्योंकि जिस अंदाज में यहाँ पे बॉलिंग करी थी, जिस अंदाज में बैटिंग करी है फिर यहाँ पे, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे देव खन्नाल जिन्होंने दोनों ही मैचों के अंदर अपने कैप्टन होने का पूरा यहाँ पे जिम्मा उठाया है, और इसी की वजह से ये सब कुछ हो पाया है। क्योंकि लड़खड़ाती हुई दिखी नेपाल की टीम, लेकिन संभालने के लिए कैप्टन था। नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से यहाँ पे कैप्टन अच्छा हो तो यहाँ पे पूरी टीम अच्छा कर सकती है, ये यहाँ पे उदाहरण भी सेट करा है, और इसके साथ साथ कई ऐसे रिकॉर्ड जो कि यहाँ पे इस मैच में बने हैं, सभी बातें करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, और अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस मैच के अंदर पहले नेपाल ने बॉलिंग करी और बॉलिंग के अंदर इतना अच्छा प्रदर्शन किया कि जिसकी कल्पना भी नहीं करी जा सकती। बहरीन की टीम को मात्र 37.4 ओवरों के अंदर ऑल आउट कर दिया, ड्रेसिंग रूम का रास्ता दिखा दिया, जिसके अंदर दो मुख्य बॉलर जिनमें से दीपेश खंडेल जिन्होंने 9.4 ओवर करे, जिसमें से 8 ओवर उनके मैडन थे, और उन्होंने 9.4 ओवरों के अंदर मात्र 4 रन दिए। तो आप सोच सकते हैं कि इनका इकोनॉमी तो सबसे बेस्ट था, जबकि 6 विकेट उन्होंने लिए। एक तरफ से ऐसे कह सकते हैं कि लगभग आधी से ज़्यादा टीम को उन्होंने पवेलियन का रास्ता दिलाया। वहीं पे दूसरी ओर दुर्गेश गुप्ता जो कि 8 ओवर करे उन्होंने और 4 विकेट उनके नाम रहे, ये भी एक अच्छे बॉलर के रूप में उभर कर आए हैं, और इस तरह से यहाँ पे बहरीन की टीम को 77 रन पर ही ऑल आउट कर दिया, जो कि सबसे अच्छी बात मुझे लगी। दूसरी ओर यहाँ पे जो डिफेंड करने के लिए उतरी नेपाल की टीम है, नेपाल के बैटर्स हैं, उन्होंने पहले ओवर के अंदर ही 2 विकेट गवा दिए, जिसमें दीपक बोहरा भी शामिल थे, तो वहीं पे उत्तम रंगू भी शामिल थे जो कि 0 रन पर आउट हुए। वहीं पे दीपक बोहरा एक चौका लगाए और उससे भी अगली गेंद पर यहाँ पे आउट हो गए थे। उस समय कुछ ऐसा लग रहा था कि बहरीन के बॉलर्स कुछ न कुछ खास करने वाले हैं, इस मैच को कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर के अंदर तब्दील करने वाले हैं, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया। हाँ, जरूर है कि 10वें रन पर एक और विकेट आया और ये दीपक प्रसाद का था, और ये सारे के सारे विकेट यहाँ पे एक ही बॉलर ने लिए थे, जिनका नाम है हम कह सकते हैं अनास। यहाँ पे अनास ने 3 विकेट जरूर निकाले, लेकिन उसके बाद आए देव खन्नाल जो कि कैप्टन हैं, और उससे ऊपर खेल रहे थे अर्जुन कुमार। ये दोनों के दोनों बैटर्स इतना ज़्यादा अच्छा करते हैं कि इस मैच को एक तरफा बना देते हैं। वहीं पे देव खन्नाल ने कैप्टनशी पारी खेली, 27 गेंदों में लगाए 32 रन, तो दूसरी ओर अर्जुन कुमार ने भी 32 रन लगाए 31 गेंदों के अंदर। अब यहाँ पर ये चीज़ सबसे ज़्यादा देखने लायक है कि एक प्लेयर नहीं खेल रहा था, यानी कि जो दोनों पार्टनर हैं वो दोनों के दोनों रन बना रहे थे, स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे, बाउंड्रीज निकाल रहे थे, और यही चीज़ सबसे ज़्यादा बढ़िया होती है क्रिकेट के अंदर कि एक प्लेयर अगर खेल रहा है तो उसे कहीं ना कहीं प्रेशर का सामना करना पड़ता है, उसे कहीं ना कहीं गलती करनी पड़ती है, और इसकी वजह से वो विकेट खो बैठता है। लेकिन दोनों पार्टनर्स अगर अच्छा कर रहे हैं, स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं, रन बना रहे हैं, तो दोनों के दोनों प्रेशर में नहीं खेलते, यानी कि प्रेशर रिलीज हो जाता है, और जिस वजह से वो अच्छा खेल भी सकते हैं और विकेट भी नहीं जाने देते। कहने का मतलब यह है कि अब यहां पे 7 विकेट से इस मुकाबले को जीत लिया है नेपाल ने, 78 रन डाल दिए हैं, वो भी यहां पे मात्र 11.4 ओवर के अंदर। आप सोच सकते हैं 50 ओवरों का मैच था ये, लेकिन T20 से भी कम ओवरों के अंदर इस मैच को जीत लिया है, और यही सबसे बड़ी बात है। अब यहां पे नेपाल अपना ग्रुप के अंदर ही नहीं बल्कि सभी ग्रुपों के अंदर ना केवल नेट रन रेट के अंदर ऊपर है, जबकि पॉइंट्स टेबल के अंदर पॉइंटें भी अब सबसे ज़्यादा ऊपर है। 2 मैचों में से 2 मैच नेपाल ने जीते हैं, जिसमें एक ईरान के साथ था जब उन्होंने एक तरफा जीता था मुकाबला, और अब यहाँ पर दोबारा से भी एक तरफा मुकाबला जीत लिया है। दोस्तों, नेपाल की इस तरह की फॉर्म के बारे में आपकी क्या राय है, अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना, ताकि कोई नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने हाजिर हूं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।